बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 दिनों के बाद मैंने कवर भाई जो है ये रोमू से बिलोंग करते हैं और इसने मुझे दूर से ही वैसे बॉर्डर पे फौजी ड्यूटी करता है ना वैसे ड्राइवर ना, पर ये हमारी वीक के इंतजार में होते हैं। ये अल्लाह पर डिपेंड करता है, अल्लाह कहां ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो अभी मैं हूँ गुटवा के नेशनल हाईवे पर और इंतज़ार कर रहा हूँ उस बंदे का जो मुझे यहाँ से आगे पहुँचाएगा। अभी जो आसिफ भाई है वो गए हैं कोल्ड ड्रिंक्स लाने, शायद उसी बंदे ने उसको फ़ोन किया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स लाओ। अभी हम जो है इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कब तक पहुँचेगा वो बंदा। आसिफ भाई भी आ गए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर और मेरे साथ है राजा वसीम सर और सेठी भाई उधर किसी से बात कर रहे हैं और अब मैं यहाँ से इनके साथ सफर तय करूँगा। बात कर रहा है इस बंदे ने मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद की, हद से ज़्यादा मदद की। अभी तो हम जाएंगे आगरा तक, आगरा के बाद देखेंगे क्या होगा। जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो आगरा तक है सेठी भाई के साथ, राजा भाई के साथ और आसिफ भाई शायद इधर ही उतरेंगे। हाँ आसिफ भाई, आसिफ भाई तो नहीं आएंगे बट आसिफ भाई ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। कितना लोग इसको मोहब्बत करते हैं खासकर इस साइड से, ये मैंने इस बंदे से सुना। इस बंदे से आप तो इस बंदे को नहीं जानते होंगे बिकॉज इसके जो सब्सक्राइबर्स है वो ऑलमोस्ट सब बाहर के हैं। 25,000 अबोव सब्सक्राइबर्स है इसके बट कश्मीर में ये अनजान है। आसिफ भाई भाई ब्रदर है और थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। कल रात जो है वो मैं इधर ही फंसा हुआ था। ये जो देख रहे हो ये लखनपुर का एरिया है और वो लखनपुर का टोल प्लाजा है। अभी हम आ गए ट्रक में वापस और जो सेठी भाई है ये बोल रहा है हमें कि आप लेट जाओ बिकॉज आगे जो है वो पंजाब पुलिस है और यहाँ बंदे बहुत ज्यादा है। नहीं है ये पैसेंजर गाड़ी नहीं है इसलिए मतलब इतने सारे बंदे इसमें अलाउड नहीं है। बोले कि इनको क्या जाना, ये पैसेंजर है कि प्राइवेट गाड़ी है। सही बात है, लोड के लिए है। सही बात है, इसने बोला कि आप लेट जाओ, उनको पता नहीं लगना चाहिए कि उस गाड़ी में वो सारे पैसेंजर थे। तो मैं तो लेट गया और साथ में ये जिगर भी है ये भी लेट गया। आपको कहाँ जाना है, आगरा? अभी जो है वो हमने J&K को पीछे छोड़ा और अभी पंजाब में हम सेठी भाई बड़े धीमे तरीके से ट्रक चला रहे हैं और मैं भी उठ गया ऊपर लेट रहा था क्योंकि इनको पता ना चले कि इसमें बहुत सारे बंदे हैं। और कल से जब मैं आया मैं इनके ड्राइवर लोगों के साथ ही आया और मैंने जितनी सख्ती देखी ना रोड पर कितनी सख्तियाँ करते हैं ड्राइवर लोगों को, फिर मैं बोलता हूँ जो एक ड्राइवर का काम है ना ये टोटली हलाल वाला काम है अगर बंदा सही हो। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, जस्ट दिखाऊंगा आपको। इधर है ब्लॉग एडिट कर रहा था तो मुझे सेठी भाई ने बताया कि हम पहुँच गए पठानकोट। ये जो आप देख रहे हो ना ये सीन, ये हवे का सीन है, बहुत ही खूबसूरत सीन है, बहुत ही मज़ेदार सीन है। ये 4 लाइन है ना, इससे आगे जो है ना बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब हिमाचल में एंटर हो जाते हैं। मतलब ये 4-5 किलोमीटर के लिए, मतलब हिमाचल जो है ना हिमाचल प्रदेश उसका एक साइड पड़ता है। ये पठानकोट क्रॉस करके ये पुल पार करके हम हिमाचल में एंटर हो जाएंगे और हिमाचल में हमारे फोन में भी मैसेज आएगी, जियो की मैसेज आते हैं वेलकम टू हिमाचल। और वहाँ पे वो ऐसी घाट है, चढ़ाई है बहुत बड़ी, वहाँ पे बहुत अच्छा सीन है, वो दिखा देना है हमको, ठीक है? तब हम इनको दिखाएंगे वो वाला सीन। और देखो यार मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई तू कर क्या रहा है, अभी तो मुझे आगरा तक मतलब सफ़र है, ये अल्लाह पर डिपेंड करता है, अल्लाह कहाँ ले जाएगा। घर से मैं निकला ऐसे ही लेकिन आगे आगे लोग मदद कर रहे हैं तो देखेंगे अल्लाह ने क्या लिखा होगा। और ये जो है ये हम अभी हिमाचल की साइड में जा रहा है और राजा भाई पता नहीं किन से बात कर रहा है इधर से। हाँ जी, पता नहीं किन से बात कर रहा है, हवाओं से बात कर रहा है, हवाओं से बात कर रहा है। और इस गाड़ी में जो है वो बहुत सारे बंदे हैं। ये सीढ़ी भाई बोल रहा है कि वो चढ़ाई आ गई, वो सीन आ गया, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत है। वैसे यार हवाओं का सीन बहुत अच्छा होता है। सीढ़ी भाई एक बात मुझे लगी कि जब आप यहाँ आते हो ना खासकर आप ट्रक ड्राइवर्स वाले टोल प्लाजा पर या कहीं पर भी पुलिस होता है वो आपको लूटते बहुत ज़्यादा है ना। क्या करें यार, अगर इनका सब कुछ कंप्लीट हो फिर भी कुछ ना कुछ ये निकाल कर इनसे
ऐसा क्यों है भाई? भाई मेरी बात सुनो, मतलब अगर इनका 70,000 ऐसी भी मतलब तनखा होगा ना, पर ये हमारी बीक के इंतजार में होते हैं, पर हम इनको कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। मतलब हम आउट स्टेट में होते हैं, जैसे मतलब मैं कश्मीर का हूँ, मैं अभी पंजाब में हूँ, मैं तो यहाँ डरूंगा बात करने से। पंजाब की गाड़ी होगी उसको कश्मीर में लूटेंगे, दिल्ली में लूटेंगे, ज्यादा कदार तो दिल्ली में लूटते हैं अक्सर। मतलब ये जो ट्रैफिक वाले है ना, बस एक बाबा जी ने वो सिख थे, उन्होंने मुझे छोड़ा लखनपुर तक, तो वो इतनी गालियां दे रहे थे पुलिस वालों का, बोल रहे थे यार इतना तनख्वाह इनको और 10-10, 20-20 रुपए के लाले पड़े इनको, पता नहीं ऐसा क्यों यार, क्यों अपनी ज़िंदगी ब्रेस्ट कर रहे हो। फिर उसने ये भी बोला है कि जो हराम की कमाई करता है उसके फिर घरवाले सीधे नहीं होते, या उसके बंदूले लंगड़े पैरा होते हैं या कुछ और, क्योंकि हराम की कमाई में आखिर मुसीबत तो ज़रूरी है ना भाई। मतलब आप देखो हम किस हाल में जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से ट्रक ड्राइवर को इतना रेस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब हर किसी, मतलब बस ये जो मतलब हमारा इंडिया है यहाँ पे ड्राइवर का रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। मतलब पूरी रात में, आज पूरी रात चल के आया, हाँ मुझे मालूम है, 5 बजे में मतलब गाड़ी खड़ी की 2-3 घंटे के लिए रेस्ट, पर मतलब ये छोटी बात नहीं है, मैं पूरी रात चल के आया। एक बार चल के देखो या पूरी रात जाग के देखो, कई फंक्शन पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, पूरी रात जागते हैं, फिर 2-3 दिन उनको वही थकावट नहीं निकलती है। पर हमारा क्या हाल है, हम अपने लिए ये मत सोचना, मतलब ये ट्रक चलाते हैं अपना पैसा कमा रहे, पर देश तो चलाते हैं कि नहीं। एक दिन गाड़ी के चक्के बंद हो जाएगा ना, देश में खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन रास्ता बंद होता है हमारा जम्मू श्रीनगर रास्ता, अगर पेट्रोल होता है ना 70 रुपए, वो 150 जाता है। सही बात है। अगर मतलब जो मतलब बकरा आते हैं दिल्ली से, मतलब मीट होता है, गोश्त होता है 200 kg, वो आता है 400-500। वैसे गैस, LPG, मतलब जो लाइफ स्टॉक सब महंगा होता है, अंडे बाकी जो भी होता है, मतलब कितना लाइफ स्टॉक, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तभी तो हमारा कश्मीर चलता है या हर कोई देश। में अभी सेब लेके जा रहा हूँ आगरा, तभी तो वहाँ वो खाएंगे सेब। कल भी वो सरदार बोल रहे थे कि जितना रेस्पेक्ट कनाडा और अमेरिका में मिलता है ना ड्राइवर्स को, इतना वहाँ डॉक्टर्स को भी नहीं मिलता है। तो क्या ही कर सकते हैं, ये जो है ना, ये असल में अगर बोलेंगे ना, ये रेस्पेक्टेड जॉब है, हलाल वाला जॉब है, अगर बंदा सही तरीके से इसको देखे। जैसे बॉर्डर पे फौजी ड्यूटी करता है ना, वैसे ड्राइवर भी रोड पे चलता है। तेल कितने का गया है? तेल जाएगा मेरे टारगेट से 15-16 हजार। पिछले टाइम जब आपने बोला ना आगरा रिटर्न, हाँ। वो उस टाइम कितने का था? 50,000 का हो गया। 50,000 का, कोई बोल रहा था 1,00,000 का होता है रिटर्न इधर से आके। वो जितना मतलब लंबा सफर होगा उतना तो तेल जाएगा, उतना तेल का भी होता है, डेढ़ का भी होता है, मुंबई हैदराबाद वैसे मतलब दूर स्टेशन है ना। नहीं, उसे बोला बेंगलोर से, उसका तो पता नहीं क्योंकि मैं तो बड़ी गाड़ी नहीं चलाता। अभी हम डमटाल में यहाँ एक डीजल भरवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। कवर भाई जो है ये रोमू से बिलोंग करते हैं और इसे मुझे दूर से ही नहीं पहचाना है कि आप वानी डॉग। चलो थैंक यू भाई। तो अभी हम पहुंचे हैं किसी जगह, यहाँ मुझे इस जगह का नाम मालूम नहीं है, पर जो सेठा भाई है, सेठी एक्सप्रेस यहाँ रुक गई है। तो इसने बोला है कि यहाँ हम खाना खाएंगे, थोड़ा रिफ्रेश करेंगे अपने आप को, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। कोई जगह है डमटाल में चक चिमना, तो वहीं रुके हैं हम। क्या आपका? मुझे कुछ अदना कहाँ रहते हो? बरकत अहमद तोला, बोईटुंगू सोपोर। पता नहीं घर वाले क्यों विंटर में ज़्यादा ये करवाते हैं अपने बच्चों को, मैंने देखा है। यहाँ राजा भाई जो है वो सब्जी काट रहे हैं। चावल पकाया आपने? वो तो पकाया। यहाँ मुझे मिल गए माजिद भाई जो मेरे साथ पढ़ता था आदेश यूनिवर्सिटी में। हम इस वक्त दोनों डमटाल में है, मतलब जहाँ हमने रेस्ट किया था, तो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 दिनों के बाद मैंने कश्मीरी खाना खाया। अभी सर की बदौलत जो ट्रक में खाना बनता है ना, उसको काफी ज्यादा मजा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम पहुंचे हैं मुल्तानी ढाबा।
ملتانی ڈھابا اس پلیس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، بس صرف اتنا معلوم ہے ملتانی ڈھابا اس کو بولتے ہیں، اس پلیس کو نہیں، مطلب یہاں ایک ڈھابا ہے جس کو ملتانی ڈھابا بولتے ہیں، اور یہاں کافی ساری ٹرکس رکی ہوئی ہے، تو سیٹھا بھائی نے بھی بولا کہ ہم یہیں رکیں گے اور یہیں رات گزاریں گے، بس اب یہیں پہ مطلب نائٹ ہالٹ یہیں پہ کریں گے، انشاءاللہ کل نکلیں گے یہاں سے آگرہ کے لیے۔ کتنے بجے نکلیں گے؟ کل نکلیں گے ہم مانو 10-11 بجے ہم یہاں نکلیں گے، 12-1 بجے تک ہم آرام سے پہنچ جائیں گے۔ ابھی یہ جو بلاگ ہے ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ایٹ لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوش رہو، خوشحال رہو، کشمیر زندہ باد۔ Let's go!